सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट विलन जोकर के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि जोकर की पॉपुलैरिटी कितनी है, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है इस कैरेक्टर को लेकर। तो डीसी ने फाइनल कर दी है जोकर की एक सोलो मूवी। जी हाँ, जोकर की एक सोलो मूवी आ रही है, जिसे डायरेक्ट करने वाले है टॉड फिलिप्स, जिन्होंने डायरेक्ट की है हैंगओवर की पूरी सीरीज। तो मेरे हिसाब से वो काफी बेस्ट डायरेक्टर हो गए इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं स्कॉट सिल्वर, जिन्होंने स्टोरी लिखी थी द फाइटर फिल्म की। तो वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छे राइटर हो गए। और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्टिन स्कोरसेस। वेल, अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो फिर आप हॉलीवुड फिल्म देखना बंद कर दें। वेल, ये वहाँ के सबसे फेमस डायरेक्टर है, जिन्होंने डायरेक्ट की थी सबसे बेस्ट फिल्म जिसका नाम था टैक्सी ड्राइवर। और रिसेंटली इन्होंने डायरेक्ट की थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वेल, तो इसकी रिलीज डेट कन्फर्म नहीं हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि इसकी स्टोरी कॉमिक बुक से काफी कम ली जाएगी, क्योंकि कॉमिक बुक की जो जोकर की स्टोरी है उस पर एक मूवी बन चुकी है जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी। तो मेरे हिसाब से डीसी वैसा तो नहीं करेगा कि उस एनिमेशन सीरीज को लाइव एक्शन में कर दे, तो वो कुछ हटकर ट्राई करने वाले हैं। और एक बड़ी खबर कि इस फिल्म में हमें जोकर के रोल में जारेड लूटो नजर नहीं आने वाले। जी हाँ, ये कंफर्म है कि इस फिल्म में जोकर का रोल जारेड लूटो नहीं करने वाले। तो क्या उन्होंने जोकर का रोल छोड़ दिया है? वेल, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन खबर तो यही है कि इस फिल्म में जारेड लूटो जोकर का रोल नहीं कर रहे। और एक हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड में उन्हें पूरा टाइम नहीं मिला था कि वो जोकर को प्रॉपर तरीके से बता पाए। तो देखते हैं अब आगे चलकर नया जोकर कौन होगा और ये फिल्म कैसी होगी। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।